बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग मैंने बनाया था जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। तो ये जी रमज़ान में बिल्कुल एंड पे हम लोग गए थे कुछ गिफ्ट लेने थे, और ये देखें आप माशाल्लाह से कितना इन लोगों ने हर चीज़ पे जो है ना ये डिस्काउंट लगाए हुए हैं। 60% ऑफ है यहाँ पर। तो ये हमने दो तीन फ़ौरन से ले लिए क्योंकि गिफ्ट लेने थे, गिफ्ट भी लेने थे, और वैसे भी बुनैनसा सतरंगी के भी अच्छे होते हैं परफ्यूम, तो हमने ले ही लिए। और उसके बाद जो है वो हमने कुछ शॉपिंग करनी थी जेंट्स लेडीज़, तो हम लोग देखते जा रहे हैं। बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने थे, और क्योंकि अब कराची में तो गर्मी हो गई है इसलिए हमने जो है ना वो ऐसे कपड़े नहीं लिए जो गर्म हों, लेकिन यह है कि लॉन के ही कपड़े लिए। लेकिन ज़ाहिर है विंडो शॉपिंग हमने बड़ी खूब की, और डाइनर से जो है वो जेंट्स के लेने थे। जेंट्स के ज़रूरी बहुत अच्छे और नरम होते हैं, और ये मैंने अपने एक भाई के लिए सूट देखा था, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, बड़ा कंफर्टेबल जो है इनका स्टाफ है, क्योंकि जो लोग रोज़ के यूज़ करने वाले हैं, ऑफिस वर्क करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सबसे बड़े मज़े की बात, मैंने पहले भी एक इस पे व्लॉग बनाया था कि जब इस पे सेल लगती है तो बड़ी अच्छी सेलें लगती हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। और महंगाई तो वैसे ही हर तरह से आम हुई हुई है, लेकिन फिर भी इंसान को जो है जब नीड हो तो बंदा ले ले। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ये वाइट शर्ट बड़ी प्यारी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो कुछ चीज़ें हमने देखी और ली, और अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे और अपने जो है ना वो बच्चे वगैरह चीज़ें देखेंगे। खूब सारा जो है ना आज वैसे रश भी लगा हुआ है, लास्ट बिल्कुल डे चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल ये अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, और ना मुझे समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो अभी मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो मेरा व्लॉग रह गया, तो मैंने कहा कि चलो जी अपलोड करते हैं। प्लीज़ सारी वीडियो वॉच किया करें। इस वीडियो में मैं आपको एक और भी बात बताऊँगी कि माशाल्लाह जो है ना ये मेरा चैनल मोनो हो गया था 25 रमज़ान को, और बहुत मुझे खुशी हुई क्योंकि देखें आपका पूरा साल हो गया हमें मेहनत करते हुए, सिर्फ एक ही साल में मैंने ये काम कर लिया, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत दिन रात जागना पड़ा मुझे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इसके लिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की, और बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिया जो कि बहुत ही मेरे प्यारे, मेरे दिल के करीब मेरे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया। ये देखें मैडम का मूड ख़राब है और साहब का मूड ख़राब है, कितने प्यारे हैं ये, मुझे बड़े अच्छे लगे कि बंदा किसी को गिफ्ट दे दे, कोई मूडी हो ना बंदा रुसना सा उसको दे दे। और यहाँ पे फर्नीचर पे देखें 60% ऑफ और 70% ऑफ लगा हुआ है। और आगे हमने लेने थे इन्होंने कपड़े, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हमने देखे, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो उनकी अपनी चॉइस है, इसलिए मैंने कहा कि आप घूमते रहो देखते रहो, हमने भी मेरी भी वीडियो बन जाएगी। और मुझे बहुत जो है ना, वैसे भी बंदा जो है विंडो शॉपिंग करता है ना बड़ा मज़ा आता है, तो उसमें से कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो बंदा ले ले। ये देखिए ये कितने प्यारे प्यारी चीज़ें, मैं आज कोई ब्रांड मेंशन नहीं करूँगी, बस मैं एक आपको ओवरऑल जो है वो बता रही हूँ कि हमने शॉपिंग की और चीज़ें ली जो कि ज़रूरी जो है ना वो ड्रेसेस लेने थे। इन कपड़ों पे 30% लगे हुए थे। आज का हमारा जो है ना वो मिशन था कि आज हमने सेल में से ही कपड़े लेने हैं, तो जी हमने थोड़े जो है ना वो जैसे दो चीज़ें लेनी थी उसके बजाय एक चीज़ लेनी थी उसके बजाय हमें दो मिल गई, यानी कि हमें उस काफ़ी फ़ायदा हो गया, और बच्चे भी जो है ना वो खुश हो जाते हैं, उनको जो है ना मुख्तलिफ इवेंट्स पे कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा हो गया जो सिले सिलाया में कपड़े मिल जाते हैं, और बड़ी जो है ना टेंशनों से बच गए, क्योंकि पहले कपड़े लो फिर उनकी डिज़ाइनिंग करो, और फिर जो है वो बच्चों को फिर भी पसंद नहीं आते थे, तो मैंने सब कुछ बंदा उन पर छोड़ देना ताकि वो खुद ही ढूँढें और ख़ुद ही देखें और ख़ुद फिर आगे से उनको पता चले कि कितना मुश्किल काम होता है ये। अच्छा जी, ये जो है ना तारिक रोड हम लोग डॉलमेन आए हुए थे, और बस यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे ड्रेसेस, प्यारे प्यारे कपड़े,
तमाम डिज़ाइन बड़े यूनिक से थे और कलर्स भी प्यारे प्यारे, समर के कलर्स आए हुए हैं आजकल, डॉन आई हुई है, मौसम एकदम चेंज हो गया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कलरफुल से कपड़े आए हुए हैं और ईद रमज़ान का महीना माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा और मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरा चैनल मोनो हो गया और बहुत अच्छे अच्छे से काम हुए, रोज़े हमने बहुत अच्छे तरीके से रखे, अच्छी अच्छी अफ्तारियाँ हुई और इसके बाद ये ईद का मौका है, ये तो हमारे लिए एक इनाम होता है इसीलिए हम ईद मनाते हैं। यहाँ पे ये शॉप का एक नया इजाफा हुआ है ट्रेडिशनल कपड़ों का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तारे इसमें डॉलमेन में भी एक इन्होंने शॉप खोली, लेकिन हैं थोड़े से एक्सपेंसिव, अगर बोरी बाज़ार से लें या जैनब से ले लें तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर भी अगर आपको कहीं अच्छी वैरायटी मिले और इमरजेंसी हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर और हर किस्म के। डॉलमिन में आके ये सुकून होता है कि आपको जो भी चीज़ लेनी है एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा ख़ास हमें ढूंढना नहीं पड़ता। ये देखें रमज़ान की 50% सेल, वाह जी वाह, लोगों की तो मौज हो गई है, लें और जो है ना मज़े से इंजॉय करें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कसम से जब हम सेल में कपड़ा लेके पहनते हैं उसमें बड़ा ही मज़ा आता है और बड़ा सुकून मिलता है कि चलो शुक्र है अच्छे दामों मिल गया, कि हमें कुर्ता बहुत पसंद आ रहा था तो ये किसी को गिफ्ट भी देना था इन्होंने तो। आप खुद ये देखें कितने प्यारे से टसल लगे हुए हैं इस पर और कपड़ा भी अच्छा सा था, तो ये हमने ये भी ले लिया क्योंकि ये इसके ऊपर जो है ना काफ़ी हमें मार्जिन 50% मिल रहा है, तो आप सोचो कि अगर 4000 का कुर्ता है तो वो 2000 में मिलेगा और कपड़ा भी, स्टिचिंग भी और ऊपर डिज़ाइनिंग भी, तो कितना प्यारा है ये। और ये एक भी बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही प्यारा सा जो है ना वो ये कुर्ता था, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो बस आप ये है कि जो है अच्छी अगर कोई चीज़ में सेल में मिल रही है तो बंदा ले लेता है, सेल इसीलिए लगाते हैं, एक तो इनका अपना भी फ़ायदा है कि आप जो है ना वो इनके निकल जाते हैं पीसेस और हमारा भी अपना हमारा भी फ़ायदा। और ये जो है ना बच्चे बड़े खुशी से पहन लेती हैं और पहना और इस्तेमाल किया और बस चेंज कर लेते हैं फिर, तो इसमें इतनी टेंशन की भी बात नहीं होती। तो चलो जी अब तो कपड़े तो हो गए हैं तो अब हम नीचे वाले फ्लोर में जा रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर में देखेंगे कुछ और चीज़ें क्योंकि जो जो इन लोगों ने लेनी है मैंने कहा कि आप ले लो, इसके बाद कोई टाइम नहीं है और रमज़ान में भी आपको पता है रोज़ा खोलने में थोड़ा सा टाइम रह गया था 1 घंटा 1.5, तो फटाफट से हमने जो है ना मैंने इनको कहा कि यहाँ से निकलो ताकि जो चीज़ आपको लेनी है वो और भी ले लें और ताकि हम लोग घर भी पहुँचें अफ्तारी करें, अफ्तारी की तैयारी भी है। तो यहाँ पर नीचे आ गए हम लोग, नीचे वाले फ्लोर पे भी काफ़ी चीज़ें हैं और ईद का मौका हो और स्किन केयर ना हो तो जनाब ये देखें सईद गनी पर आ गए। सईद गनी के बहुत सारी प्रोडक्ट हम लोग पहले भी यूज़ करते हैं और ये जो गोट मिल्क का जो है ना फेस क्लेंसर ये बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर आप लोग भी यूज़ करके देखेंगे आप जाएंगे आपको आपकी स्किन के मुताबिक देंगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे बच्चे लड़कियां, ख़ास तौर पे हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं। और एप्रिकॉट है इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी वैसे इसमें, बहुत सारे आप उसको कह सकते हैं कि हम तो फ्लेवर तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे जो है ना चीज़ों का था, जैसे खीरे का हो गया है और उसका ये लेमन हो गया, फ्रूट फेस पॉलिश, ये कितनी अच्छी चीज़ है और इसमें ज़्यादा केमिकल भी नहीं होता और अब मैंने देखा है कि बहुत बड़ा जो है ना लोग पसंद करते हैं और लेते हैं, ये लिप बाम हो गया, कुछ चीज़ें जो चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई थी वो इन्होंने यहाँ से ले ली हैं और बहुत ही अच्छी जो होते हैं इनके स्क्रब बहुत अच्छा होता है, स्क्रब यूज़ करें तो आपको फेशियल का जो है ना वो पूरा मिल जाता है। तो जनाब ये भी हमने शॉपिंग कर ली है, यहाँ पे परफ्यूम का इजाफ़ा हुआ है, उसके अलावा शैम्पू का इजाफ़ा हुआ है, शैम्पू देख के हमें बहुत अच्छा लगा लेकिन हम अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम लेंगे। और ये मड मास्क जो है ना मड मास्क
यानी कि मुल्तानी मर्द पाउडर, ये हम लोग ज़रूर लेते हैं क्योंकि ये जो हमारे लड़के हैं जैसे बच्चे यंग बच्चे होते हैं और स्किन पे पिंपल्स हो गए या एक्नी वगैरह हो गई तो इसको बच्चे हम लोग बहनें यूज़ करती हैं तो साथ में उनको भी लगा देते हैं तो ये बड़ा फ़ायदा करते हैं। मतलब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि उनको भी होता है कि भाई हम ईद आ रही है तो हम अपनी स्किन केयर करें तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। सईद गनी की प्रोडक्ट जो है वो वेरी सेफ़ हैं तो इसलिए हमने ये सब ले लिया। और यहाँ से यहाँ वैसे शॉपिंग करके हमें बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है हमेशा की तरह। और यहाँ पे ये लास्ट में ये जो है ना ये हमने कलर्स के में मैचिंग करके ये भी ले लिया है इन लोगों ने। ये लोग देख रहे थे तो मैंने कहा आप लोग जल्दी जल्दी देख लो, मैचिंग कर लो। और ये भी ज़्यादा ज़ाहिर बालों वगैरह पर यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये भी ले ली हैं। और यहाँ से ले के तो बस हमने फटाफट से करना है। मैंने साथ साथ शोर मचाया हुआ था कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है, जल्दी करो भाई। तो फिर फटाफट से हमने लिया और आखिर में हमने जो है ना मैंने कहा कि अब निकलो, आधा घंटा रह गया था। तो बस तारिक रोड से वैसे हमारे घर का रास्ता 15 मिनट का है तो मैंने कहा चलो भाई भागो निकलो, फौरन पहुँचे। और गाड़ी का बिल्कुल देख लें कि तारिक रोड पे बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला था तो हमने सामने गलियों में खड़ी की हुई थी, वहाँ से बैठे हैं और जल्दी जल्दी निकले। और शुक्र अल्लाह ताला का कि 15-20 मिनट पहले हम लोग अफ्तारी से पहले पहुँच गए थे और अफ्तारी तो बनाने वाले खैर थे लेकिन शुक्र अल्लाह का कि खैर खैरियत से पहुँच गए।